हेलो, इस वीडियो में हम पाइथन में बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। बार ग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए। इसमें डेटा को अलग अलग हाइट्स की बार में दर्शाया जाता है। यह बार्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। एक आसान सवाल में बार ग्राफ में एक ही डेटा पॉइंट यानी कि एक ही बार होती है और थोड़े मुश्किल सवाल में ज्यादा बार्स होंगी। पहले एक आसान सवाल को लेते हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों में खेती की जाने वाली जमीन का एरिया दिखाया गया है। हमें इसका बार चार्ट बनाना है जो ग्रीन कलर का हो और जिसका बॉर्डर येलो हो। इसमें लेबल्स और टिक्स भी होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पाई प्लॉट को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना है। अब हम बार ग्राफ बनाने के सिंटैक्स को देखेंगे। आप देखेंगे कि इसमें कम से कम दो सीक्वेंस एक्स और वाई जरूरी है ग्राफ बनाने के लिए। पहली सीक्वेंस स्ट्रिंग भी हो सकती है या नंबर्स भी हो सकती है, पर दूसरी सीक्वेंस नंबर्स ही होनी चाहिए क्योंकि इन नंबर्स से अलग अलग हाइट्स की बार बनेगी। तो अब हम दो सीक्वेंस बनाएंगे, स्टेट का सीक्वेंस एक्स एक्सिस के लिए और एरिया का सीक्वेंस वाई एक्सिस के लिए। इनको हम बार फंक्शन में यूज करेंगे। इसके बाद हम प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारे बार चार्ट को डिस्प्ले करेगा। अब हमारा बेसिक बार चार्ट रेडी है। अब हमें इसको फॉर्मेट करना है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक। सबसे पहले है कलर और बॉर्डर कलर। अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसमें दो पैरामीटर्स कलर और एज कलर है। अगर हम इसमें एक वैल्यू पास करेंगे तो सारे बार्स एक ही कलर के बनेंगे। अगर एक सीक्वेंस पास करेंगे जिसकी लेंथ स्टेट्स की सीक्वेंस जितनी हो, फिर यह हर स्टेट के लिए अलग अलग कलर लेगा। हम इसमें अपने क्वेश्चन के मुताबिक ग्रीन कलर और साथ में येलो बॉर्डर डालेंगे। अब पाइप्लॉट में कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं जिनका आप सब ग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है टाइटल, लेबल, लेजेंड आदि जो हमने हमारे लाइन चार्ट के वीडियो में बताए थे। हमारे इस सवाल में लेबल्स है तो हम इसमें एक्स और वाई लेबल सेट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में टाइटल भी है तो हम टाइटल भी सेट करेंगे। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें मल्टीपल बार्स हो, जैसे कि ये। इस प्रश्न में हमारे पास चार बल्लेबाज हैं और हरेक की तीन अलग अलग स्कोर्स हैं। अब अगर आप इसे पहले वाले सवाल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्स एक्सिस में बल्लेबाज डालेंगे और तीन और सीक्वेंसेस में स्कोर्स। फिर बार फंक्शन को कॉल करेंगे सीक्वेंस और कलर के साथ। यहाँ आप देखेंगे कि बार्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर एक से ज्यादा बार हो तो उनको फिट करने के लिए हम बार की थिकनेस और पोजीशन के साथ खेलते हैं। एक बार की डिफॉल्ट विड्थ होती है 0.8। ज्यादा बार्स को फिट करने के लिए हम इस विड्थ को कम कर देंगे। तो अगर हमें दो बार्स को फिट करना है तो हम बार की विड्थ 0.4 कर देंगे। इसमें तीन बार्स फिट करनी है तो मैं हर बार की विड्थ 0.25 कर दूंगी। अब विड्थ तो सेट हो गया। इसे रन करके देखते हैं कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। जवाब है नहीं। हम देख सकते हैं कि इसमें बार पतले तो हुए हैं पर अभी भी एक के ऊपर एक आ रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको बार की पोजीशन या जगह भी बदलनी पड़ेगी। अब पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए आपकी एक्स एक्सिस का न्यूमेरिक होना जरूरी है, वो स्ट्रिंग नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम एक और एक्स सीक्वेंस बनाएंगे। इसके लिए हम नंपी के एरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले बार को इस पोजीशन पे प्रिंट करेंगे, दूसरे बार को हम 0.25 से शिफ्ट करा देंगे जो हमारी पहली बार की विड्थ है। अब तीसरे बार को या तो आप -0.25 पोजीशन पे शिफ्ट करा सकते हैं या आप पहले बार से +0.5 दूर राइट में प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो बार साइड बाय साइड डिस्प्ले होगी।
पर अब इसमें बल्लेबाज का नाम एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा है। इसके लिए हम एक्स टिक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम सेंटर की एक्स सीक्वेंस देते हैं, जिसके नीचे हमें बल्लेबाज का नाम चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो बल्लेबाज का नाम भी एक्स एक्सिस पे नजर आएगा। अगर आप पाइथन बार चार्ट पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट simplycoding.in पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड बाय एंड गुड लक।